ऑफ वेव। वेव के टाइप्स एक मीडियम के हिसाब से हैं और दूसरे डायरेक्शन के हिसाब से हैं। जो वेव के टाइप्स मीडियम के हिसाब से हैं वो है मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, और जो वेव के टाइप्स डायरेक्शन के हिसाब से हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो इस वीडियो में आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम उन वेव्स को कहते हैं जो वेव्स उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्प्रिंग वेव्स, स्प्रिंग वेव्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं। तो जो वेव्स उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी दें या वेव का मोशन हो, तो उन वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो रीजन्स होते हैं, एक है कंप्रेशन और दूसरा है रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बहुत सारे गुब्बारे हैं और हम उन्हें दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से के गुब्बारे ऐसे हैं जिनमें बहुत कम हवा भरी हुई है, जबकि दूसरे हिस्से के गुब्बारे हवा से भरे हुए हैं। रेयरफेक्शन वो हिस्सा जहाँ गुब्बारों में कम हवा भरी हुई है, हम उसे रेयरफेक्शन कहेंगे। इस हिस्से में गुब्बारे नरम होंगे और इनका प्रेशर मतलब इनके अंदर का दबाव कम होगा। कंप्रेशन दूसरा हिस्सा जहाँ गुब्बारे हवा से मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं, हम उसे कंप्रेशन कहेंगे। और इस हिस्से में गुब्बारे सख्त होते हैं और इनके अंदर का दबाव ज़्यादा होता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी कंप्रेशन और रेरीफेक्शन के हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग को लें, स्प्रिंग वेव्स में कंप्रेशन और रेरीफेक्शन के हिस्से पाए जाते हैं। स्प्रिंग वेव्स के दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कंप्रेशन कहलाता है। इस हिस्से में स्प्रिंग के कॉइल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और इसके नतीजे में दबाव ज़्यादा होता है, इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। दूसरा हिस्सा रेरीफेक्शन कहलाता है। इस हिस्से में स्प्रिंग के कॉइल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और इसका दबाव कम होता है, इसे हम रेरीफेक्शन कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स हम उन वेव्स को कहते हैं जो वेव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं वेव मोशन के, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अप एंड डाउन मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ऊपर और नीचे की हरकत करती है। जब आप पानी की लहरों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पानी की लहरें आगे बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वाटर वेव्स पानी के ज़रात सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ हरकत करते हैं, ना कि आगे की जानिब। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स है, क्योंकि ये भी वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हरकत करती है। और परपेंडिकुलर हम उसे कहते हैं जब दो रेस 90 डिग्री बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड के जरिए। वेवलेंथ किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स में एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट्स हैं, एक जो पार्ट है वो है क्रस्ट और दूसरा पार्ट है ट्रफ। जो अपर पार्ट है वेव का उसे हम कहेंगे क्रस्ट और जो लोअर पार्ट है उसे हम कहेंगे ट्रफ। तो क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, और वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। वेवलेंथ का यूनिट मीटर इसीलिए है क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ है और लेंथ मीटर में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है जो बताती है कि एक सेकंड में कितनी बार कोई वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ एक सेकंड में एक बार वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स होती है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 हर्ट्स का मतलब क्या है, तो अगर एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेशन होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स होती है। और 10,000 हर्ट्स का मतलब क्या होगा? अगर एक सेकंड में 10,000 बार वाइब्रेशन होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्स होती है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? वेव को मुकम्मल होने में या एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन को मुकम्मल होने में जो वक्त लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं।
जैसे वेव को एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने में जो वक्त लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। फर्ज करें कि एक पार्टिकल 1 सेकंड में एक बार वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है और उसकी वेवलेंथ 1 मीटर है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 2 हर्ट्ज़ कर दें, यानी पार्टिकल 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करें, जैसे आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से टाइम पीरियड कम होगा। टी इज इक्वल टू 1/f, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम रखेंगे 2। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब पार्टिकल का टाइम पीरियड 0.5 सेकंड हो गया। वेव स्पीड किसे कहते हैं? अगर कोई वेव कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करे तो उसे हम कहते हैं वेव स्पीड। जैसे आप जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, लेकिन वेव स्पीड के लिए हम एक मुख्तलिफ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें, स्पीड का फार्मूला है वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन वेव स्पीड के लिए एस की जगह पर रखेंगे लेमडा और टी की जगह पर रखेंगे टाइम पीरियड, और अब हमें मिला वी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। और जैसे आप जानते हैं कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो टाइम पीरियड की जगह पर 1/ फ्रीक्वेंसी रखा तो हमें मिला लेमडा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अब लेमडा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट को हम वेव स्पीड कहेंगे।